हांसी न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वकीलों को संबोधित करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश की आजादी को लेकर भारतीय संविधान में निर्माण वकीलों की भूमिका रही है। इस अवसर पर उन्होंने बार एसोसिएशन के सदस्य के रूप में 50 वर्ष से अधिक सेवाएं देने वाले 21 वरिष्ठ वकीलों को सम्मानित भी किया। देश की आजादी से पहले नहीं बल्कि उसके बाद भी देश के संविधान निर्माण में, देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापना करने में, देश की सरकारों की एक नई संस्कृति को बनाने में जो लॉयर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वह अभूतपूर्व है। पूरा लॉ एज एन इंस्टीट्यूशन जो है, जो लीगल कम्युनिटी है, लीगल फ्रेटर्निटी है, इसके कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर भारत के इतिहास के अंदर अगर कोई इसको रिकॉर्ड करेगा, कोई इसके ऊपर रिसर्च करेगा, तो मैं ये मानता हूं कि ये पिछले 100 साल में भारत के वकीलों ने इस देश के निर्माण में, आजादी में, लोकतंत्र की स्थापना में, लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना में, डेमोक्रेसी की इवोल्यूशन में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट में जो योगदान लॉयर फ्रेटर्निटी का रहा है, इसका दूसरा सानी शायद ही इतिहास के अंदर कोई मिलेगा कि एक राष्ट्र के निर्माण में एक वर्ग का इतना बड़ा योगदान रहा है जितना भारत में वकीलों का रहा।